ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक, ऐसी जीत कि नीतीश जी को लगेगा कि उन्होंने जो धोखा किया बीजेपी के साथ, जनता उनको बहुत बड़ा जवाब देगी। ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक जीत, कुर्नी विधानसभा सीट पर बीजेपी की होगी ऐतिहासिक जीत। देखिए, ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा सांसद रवि किशन कह रहे हैं। रवि किशन कुर्नी पहुंचे थे, वहीं रवि किशन ने यह साफ कह दिया है कि कुर्नी विधानसभा सीट पर जिस तरीके से उपचुनाव होना है वहां पर उनके प्रत्याशी जीतेंगे। तो वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उन्होंने निशाना साधा है। वहीं उन्होंने यह साफ कह दिया है कि बिहार की जनता उन्हें जान गई है और बीजेपी के साथ जिस तरीके से उन्होंने धोखा किया है जनता उनको जवाब देगी। वहीं क्या कुछ कह रहे कुर्नी विधानसभा सीट पर उपचुनाव प्रचार प्रसार करने के दौरान रवि किशन, वो सुने। ऐतिहासिक जीत है, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक, ऐसी जीत कि नीतीश जी को लगेगा कि उन्होंने जो धोखा किया बीजेपी के साथ, जनता उनको बहुत बड़ा जवाब देगी। जी जी जी, वो घमंड टूटेगा। तो आपने सुन लिया, रवि किशन थे, रवि किशन पटना एयरपोर्ट पर तो खूब जमकर बरसे थे नीतीश कुमार पर, तो वहीं अब जाकर कुर्नी में भी जमकर बरस रहे हैं। सांसद रवि किशन ने यह साफ कहा है कि जिस तरीके से बीजेपी के प्रत्याशी को खड़ा किया गया है उन्हीं की जीत होगी, ऐतिहासिक जीत होगी। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाए हैं रवि किशन ने। बता दें आपको कि कुर्नी पहुंचे थे सांसद रवि किशन, और रवि किशन ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कई आरोप लगाते हुए यह साफ कहा था कि उद्योगपति जो भी बिहार के वो बाहर जाते हैं और उनको पलायन करना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को जो है नीचे ढकेल रहे हैं। तो वहीं लगातार जो लोग हैं वो परेशान चल रहे हैं, बिहार में जो बहु बेटियां हैं उनके साथ गलत हो रहा है और इसको लेकर कोई नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। तो वहीं लगातार अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कई सवाल खड़ा कर रहे थे रवि किशन। तो वहीं रवि किशन ने यह साफ कह दिया है कुर्नी विधानसभा सीट में चुनाव के दौरान कि जिस तरीके से जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं बीजेपी के, उन्हीं की जीत होगी, तो वहीं ऐतिहासिक जीत होगी। तो वहीं रवि किशन की तमाम बातें सुनिए आपने, रवि किशन ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने साफ कह दिया है कि जो नीतीश कुमार, उन्होंने बीजेपी को धोखा दिया है और बिहार की जनता जान गई है उनको, आने वाले दिनों में जनता जवाब देगी। तो वहीं जिस तरीके से हमारे प्रत्याशी खड़े किए गए हैं उन्हीं की जीत होगी। तो वहीं क्या कुछ कह रहे थे रवि किशन, आपने सुना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, और तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। कल चुनाव होना है, कल 5 तारीख है, देखने वाली बात यह होगी कौन जीतता है, कौन हारता है, किसका जीत होगा। 8 तारीख को जो रिजल्ट है वो आना है। और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक पर अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक फॉलो करना बिल्कुल ना भूले। बहुत ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।